हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बीकॉम कंप्यूटर सेकंड ईयर के जो प्रैक्टिकल्स हैं, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स के प्रैक्टिकल्स जो हैं, वो आप किस तरीके से बनाएंगे और इन्हें किस तरीके से वर्ड फाइल में आपको टाइप करना है या फिर इनको किस तरीके से जिससे आप इसे प्रिंटेबल फॉर्मेट में लेकर आना है, जिस तरीके से, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है, फर्स्ट प्रैक्टिकल का हमारा जो नाम है वो है टू सेट एंड चेंज कंप्यूटर नेम। मतलब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें किस तरीके से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के कंप्यूटर नेम को चेंज करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन के ऊपर हमें यहाँ पर ये सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। हम यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे। यहाँ से सेटिंग में हमें यहाँ पर जाना है, क्योंकि हम लोग यहाँ से सेटिंग में जाकर ही सिस्टम का जो चेंज करें वो चेंज करेंगे। तो हमारी सेटिंग जो है वो खुल रही है, यहाँ सेटिंग जो है ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हमें सिस्टम में जाना है। यहाँ पे हमें सिस्टम नाम का एक फोल्डर मिलेगा, इसमें हमें जाना होगा। तो हम ये सिस्टम के अंदर इंटर होते हैं, तो यहाँ पर हमें सबसे नीचे मिलेगा अबाउट। तो हम इस अबाउट के अंदर जाएंगे। यहाँ पर जाकर हम अपने जो सिस्टम का नाम जो है वो चेंज करेंगे। तो अबाउट में आने के बाद यहाँ पर रीनेम दिस पीसी का हमें ऑप्शन मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन भी दिखती रही। तो हमारा अभी डिवाइस का नाम क्या है, कंप्यूटर का नाम क्या है, विकास टेक सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पर रीनेम दिस पीसी करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम अपने जो कंप्यूटर का नया नाम है वो यहाँ पर, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पुराना नाम जो है विकास टेक सॉल्यूशन बता रहा है। मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ विकास, कैपिटल में लिखते हैं हम यहाँ पर विकास। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, आपको अपने नाम के बीच में, कंप्यूटर के नाम के बीच में कहीं पर भी स्पेस वगैरह नहीं देना है। आप कोई भी हाइफन या डैश का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ विकास विश्वकर्मा। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही यहाँ पर ये बता रहा है पीसी नेम इज इनवैलिड बिकॉज हम यहाँ पर फन लगाया, हम यहाँ पर डैश लगाएंगे तभी ये लेगा। हम यहाँ पर इसे नेक्स्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डैश यूज करना है। आप हाइफन वगैरह यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, ओनली आप यहाँ पर डैश यूज कर सकते हैं स्पेस की जगह पर। इसके बाद ये क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये हमारा बता रहा है आफ्टर यू रिस्टार्ट योर पीसी नेम विल बी चेंज विकास विश्वकर्मा। मतलब कि हम रिस्टार्ट करेंगे, जैसे ही हमारे सिस्टम का जो नेम है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर रिस्टार्ट नाउ का बटन आ जाएगा, जिस पर क्लिक करते ही आपका सिस्टम जो है वो तुरंत रिस्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद रिस्टार्ट लेटर, मतलब अगर हम बाद में स्टार्ट करना चाहते हैं रिस्टार्ट, तो वो हम उस पर क्लिक कर, मैं अभी यहाँ पर रिस्टार्ट लेटर पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आते हैं हम अपनी वर्ड फाइल पर, किस तरीके से हमें ये वर्ड फाइल तैयार करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, नॉर्मली हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। इसके बाद आंसर डाल के हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्टेप लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, सिलेक्ट स्टार्ट पर गए, स्टार्ट पर क्लिक किया, फिर हम वहां से सेटिंग में गए, फिर सिस्टम में गए, फिर वहां से अबाउट में गए। ये करने के बाद फिर हम यहाँ पर सिलेक्ट रीनेम दिस पीसी का जो ऑप्शन आ रहा था उस पर हमने क्लिक किया। इसके बाद इंटर न्यू नेम, न्यू नाम डाला हमने, फिर सिलेक्ट नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करते ही हमें साइन इन का ऑप्शन देने लगा। अगर हमारा सिस्टम में साइन इन नहीं है, एक से ज्यादा लॉग इन यूजर बने हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं है, तो वो हमसे साइन इन मांगेगा। इसके बाद ये सिस्टम नेम चेंज हो जाएगा। फिर ये हमें दो ऑप्शन दे रहा है, सिलेक्ट स्टार्ट नाउ एंड को इतनी सी प्रोसेस करनी है, इसी प्रोसेस करनी है। इसके बाद आप इसे प्रिंटेबल फॉर्मेट, आप यहाँ से सेव फाइल को सेव करके रख सकते हैं, जिससे कि आप इसे आगे प्रोसेस कर सके और आगे इसको इसी तरीके से आप आगे बढ़ाकर इसे प्रिंटेबल, आप यहाँ पे नीचे जो स्पेस है यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, किस तरीके की लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट्स एंड शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताइएगा जरूर, जिससे कि उनको भी कंप्यूटर्स के ये जो प्रैक्टिकल्स हैं वो इजीली मिल सके और उनको भी समझने में आसानी हो। फ्रेंड्स, इसी तरीके की वीडियोस के लिए और आने वाले अलग अलग टॉपिक्स के लिए और हमारे जो कंप्यूटर के जो प्रैक्टिकल्स हैं अलग अलग लेवल्स के, उनके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच। Keep on moving. Oh, 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 oh.